में 2011-12 में प्रभु के पास आया, प्रभु से ज्वाइनिंग हुआ, प्रभु को पहचाना, प्रभु के चरणों में आया, मेरा जीवन बदलते गया। फिर भी उतरा उतरा होते रहा, फिर भी मैं लड़ते रहा हूँ। अभी भी टाइम है, बाइबल भी कहता है टाइम है, सब चीज का टाइम है। उस टाइम को मैं इंतजार करते रहा हूँ, अभी तक भी कर रहा हूँ, करूंगा अभी भी और भी। आमीन। क्योंकि हमारे को जल्दी नहीं चाहिए, सब कुछ प्रभु आराम से देते हैं, सब कुछ प्रभु आराम से देते हैं। कईयों के विचार में तो ऐसा है कि आज मैं चर्च में चले जाऊं, परसों से मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए। इसी तरह करके कई विश्वासी आए भी गए भी ऐसे ही चलते, लेकिन हमें प्रभु में धीमा होकर चलना चाहिए। मैं यही सोचता हूँ, मेरे को पछताव आता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ आपने दे दिया। 2012 से सब कुछ दे दिया प्रभु ने सब कुछ दिया, मुझे मांगने का जरूरत नहीं है, खुद देते रहते हैं, हमें मांगने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही मांगता हूँ प्रभु, संभाल के रखना, परिवार को साथ में रख देना, सभी परिवार को एक आत्मा दे देना, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रभु से। लेकिन आप लोगों को विनती है, आप लोगों ने प्रार्थना करना मेरे परिवार के लिए। अब कुछ मुझे अब भरोसा हो रहा है, कुछ अब 2012 से 2023 हो गया, 24 का मैं इंतजार करूंगा, 18 का किया, 15 का किया, 16 का किया, 17, 20, 19 सब का किया इंतजार, फिर भी मेरे परिवार को, मेरे बच्चे लोगों को प्रभु ने उनका हृदय को जल्दी बदल दे। मैं यही चाहता हूँ आप लोग से, यही विनती प्रार्थना है, सब रिक्वेस्ट है सबको, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ सबसे, हमारे को गवाही देना चाहिए। लेकिन हम डरते हैं या शर्माते हैं, कोई पता नहीं लगता है, हमारे को हर टाइम गवाही देना चाहिए। प्रकाश 12:11 में भी लिखा है, थुमा के लहू और गवाही उनके वचन द्वारा मृत्यु तक भी वो नहीं डरे। इसी तरह करके हमारे को गवाही देना जरूरी है, छोटा मोटा जैसा भी हो गवाही देना जरूरी है। लेकिन हम तो 2 महीने 15 दिन, चलो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते हम दे ही नहीं पाते हैं गवाही, क्योंकि हमारे को गवाही देना जरूरी है, चाहे सुख में हो दुख में हो जैसा भी हो। अच्छा होने से नहीं कि दुख में भी देना चाहिए हमारे को गवाही, मेरे को ये एहसास हो रहा है। तो हमें आगे का समय ज्यादा नहीं लेते हुए, अभी प्रभु ने हमें अभी ये गए हुआ हफ्ता को एक्टिवा दिया हुआ है, एक्टिवा एक लेने के लिए हमारे को प्रभु ने आशीष दिया है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैंने मांगा नहीं है, प्रभु ने खुद दिया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि टाइम है, टाइम को परखना चाहिए। खुद परमेश्वर देंगे हमारे को, वो हमारे को अपने आप देंगे, हमारे को मांगने से पहले ही दे देते हैं। लेकिन हमारे को सच्चा मन से सच्चा दिल से चलना चाहिए। मैं पहले बहुत दबा हुआ था, गिरा हुआ था, थका हुआ था, बहुत थका हुआ था, प्रभु में आया, मुझे आनंद मिला, मैं प्रभु के साथ में आनंदित हूँ और प्रभु हमारे को आशीष दे रहे हैं। मेरे पिताजी आज से 3-4 साल पहले वो लाश के बराबर मरे हुए थे, मरने की तैयारी थे, मर गए थे, फिर भी जी गए, क्योंकि हमारे प्रार्थना के कारण अभी तक जी रहे हैं, उनको जीते हैं अभी, क्योंकि मैं पिताजी बोलने पा रहा हूँ, माता जी बोलने पा रहा हूँ, मैं ये गर्व करता हूँ, खुशी हूँ मैं। आप लोगों ने प्रार्थना करना, अभी भी अच्छे है वो, जब मैं जाता हूँ अच्छे होते, प्रार्थना करता हूँ अच्छे होते, कभी बीमार हो जाते फिर भी चले जाता हूँ, तो बीमारी होते जाता हूँ प्रार्थना करता हूँ ठीक हो जाते, प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, सब कुछ प्रभु से हमारे को मिलता है, आशीष मिलता है। धन्यवाद, आज का ये वचन आइए गवाही यही रखता हूँ सब जय मसीह।